हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी जी के वीडियोस के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी दिख गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम चर्चा में, ठीक है। एलविश यादव जी के साथ कुछ ना कुछ, फ्लाइंग बीस के साथ कुछ ना कुछ पॉपअप हो रहा है। नीट के स्टूडेंट के बारे में जब उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा मोदी मीडिया, ये मीडिया वो मीडिया, तो उस पर उनका ब्रूटल बिल्कुल जो सच है वो बोल दे रहे हैं। अब जैसा भी हो, सच उनकी तरह का सच जो दिखाया जा रहा है या जो भी है ले, और मैंने कोई ऐसी वीडियो पर रिएक्ट किया नहीं, और ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी ऐसा नहीं है। हमारा काम क्या, हमारा काम तो सुनने का है ना। हम इस पर बीच में थोड़ी जजमेंट दे रहे हैं, वो जजमेंट बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब हम तो पक्ष सुनते हैं। मैंने तो वो भी नहीं सुना, मैंने तो कुछ वीडियोस देखी नहीं है। तो आज मैंने सोचा था वो बजट वाली जो वीडियो आई है वो मैं कल, मैंने उनकी नहीं, उनसे पहले दो तीन वीडियोस और देख चुकी हूँ कि वो बजट बहुत खराब आया है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट वाले या वो जो भी थे उन्होंने सबने बताया कि भैया मिडिल क्लास का तो खत्म हो गया पत्ता। तो मैंने सोचा अच्छा, अब ध्रुव राठी जी का भी जरा एनालिसिस देख लेते हैं इस चीज पर। तो मैं आज इस वीडियो से उनकी वीडियो उठा रही हूँ, वरना मैं कुछ नहीं उठा पाती, क्योंकि एक तो वीडियो बहुत लंबी लंबी होती है तो मैं नहीं देख पाती 20-20 मिनट की। ये भी बतानी है पार्ट वन पार्ट टू करके देखती हूँ। तो आ जाओ जरा, जितना फोन में स्पेस बचेगा, फोन में स्पेस के हिसाब से देखती हूँ, बाकी नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे एमवी मंटाई का सॉन्ग भी करना था यार रिएक्ट। चलो कोई नहीं, पहले ये देखते हैं कि क्या है। मैंने उनकी वीडियोज देखी नहीं है। 1 2 3 एंड चुप रहेंगे ज्यादा तभी बन पाएगी वीडियो, वरना नहीं बन पाएगी। गो। बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी अपना गुस्सा जाहिर करने लगा सरकार के खिलाफ। देखकर ऐसा लगता है कि सारी टैक्स वसूली ये सरकार मिडिल क्लास लोगों से करती है, और जो इनके करोड़पति अरबपति दोस्त होते हैं उनको सिर्फ फायदे ही फायदे दिए जाते हैं। इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, इनकम इनइक्वालिटी की इतनी बुरी हालत ब्रिटिश राज के समय भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया बजट 2024, और जो नेगेटिव रिएक्शन जनता की तरफ से देखने को मिला इस बजट को लेकर वो अलग ही लेवल का था। बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी अपना गुस्सा जाहिर करने लगा सरकार के खिलाफ। इन ट्वीट्स को देखिए, 17 जून तक जो लोग कह रहे थे कि हमें तो डिक्टेटर मोदी देखना है, 23 जुलाई तक आते आते ये कहने लगे प्लीज हमें भिखारियों की तरह ट्रीट मत करो। 9 जून तक जो लोग कह रहे थे नाउ आई कैन डाई पीसफुली, 23 जुलाई तक आते आते कहने लगे वर्स्ट गवर्नमेंट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ टैक्स इश्यू। कॉमेडियन अभिजीत गांगुली का ये ट्वीट वायरल हुआ, इफ आई अर्न मनी निर्मला टैक्स लेती है, इफ आई स्पेंड मनी देन ऑल्सो निर्मला टैक्स लेती है, If I don't earn or spend। अभिजीत गांगुली भी बहुत सही ह्यूमर मारते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सच बात निकल के आई है, और ऐसा नहीं मैं कोई ऐसे गवर्नमेंट की से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, जो चीज गलत है वो तो आपको गलत लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत गलत डिसीजन था। Both and my money is just lying in investment। निर्मला उसका भी टैक्स लेती है, और बेस्ट बात, अगर मैं टैक्स देता हूँ उस पे भी एडिशनल सेस है, तो उसमें भी निर्मला एक और टैक्स लेती है। फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर ये मीम्स भी वायरल हुए, यू कांट डिफीट मी आई नो बट शी कैन। इसी लॉजिक को दर्शाते हुए एक ये फ्लो चार्ट भी बड़ा वायरल हुआ, जो भी आपको सैलरी मिलती है आप उस पे 30% डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो, और इन्वेस्टमेंट में अगर आप जल्दी से पैसा कमा लेते हो तो आप 20% टैक्स पे करते हो, स्लोली पैसा कमाते हो तो 12.5% टैक्स, और अगर आपका नुकसान तो नुकसान आपका है। दूसरा, अगर आप अपने पैसे को खर्च करने चलते हो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम्स पर 12% टैक्स भरते हो, काइंड ऑफ फैंसी आइटम्स पर 18% टैक्स, और लग्जरी आइटम्स पर 28% टैक्स। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये बजट सही में इतना बुरा है? आइए आज के वीडियो में दोस्तों इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब आप कोई अपना एसेट बेचते हैं, जैसे कि घर हो गया या जमीन हो गई, या फिर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से लैंड में और गोल्ड, जैसे कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर आप किसी चीज को खरीद बेच रहे हैं एक साल से कम के पीरियड में तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और जो टैक्स तब लगता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है, शॉर्ट में कहा जाए तो STCG। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक साल से ज्यादा समय के लिए रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहा जाता है, और ऐसे केस में टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स।
LTCG। अब इस नए बजट में सरकार ने क्या किया है, इन दोनों टैक्सेस को बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है 5% से, पहले 15% होता था, अब 20% कर दिया गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया है 2.5% से, पहले 10% होता था, अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं पहली वीडियो उनके लिए देख रही हूँ। कल से मैं इतनी सारी बजट की वीडियो देख चुकी हूँ, तभी मैंने सोचा कि अगर मैं ध्रुव राठी कोई वीडियो देखती हूँ, ये वाली उठा के देखती हूँ कि इन्होंने किस तरीके का एनालिसिस दिया है। 10% होता था, अब ये 12.5% पर है। लेकिन इस केस में सरकार ने एग्जेम्पशन को भी बढ़ा दिया है। पहले 1,00,000 की एग्जेम्पशन होती थी, अब ये 1.25 लाख की एग्जेम्पशन कर दी गई है। यानी कि एक साल में अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से नीचे है तो आपको ये टैक्स नहीं भरना होगा। अब जाहिर सी बात है, जो भी लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग गुस्सा है सरकार से, क्योंकि उनके लिए सीधे तौर पर ये नुकसानदायक है। इसके अलावा जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी बड़ी बुरी खबर है। इनकी ट्रेडिंग पर एक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। फ्यूचर्स पर पहले ये टैक्स हुआ करता था 0.0125% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, अब ये बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया। और वो बता रहे थे कि मतलब अभी आपको लग रहा होगा 0.0 में तो चल रहा है, लेकिन नहीं, 60% की बढ़ोतरी हुई है, ऐसे करके बता रहे थे कि अभी देखो, जैसे नॉर्मल ऐसे देखने के तो 0.01 था, 0.02 हो गया, कोई ज्यादा खास फर्क तो नहीं आया। बट अगर आप पूरा इनकी कैलकुलेशन लगा के देखते हो तो मतलब वो बता रहे थे कि 50 से 60% तक का। और ऑप्शंस पर पहले ये होता था 0.0625% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, अब इसे बढ़ाकर सीधा 0.1% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम कर दिया गया। अब लेकिन सरकार के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है इन सारे टैक्सेस को बढ़ाने की? इसका जवाब छुपा है दोस्तों शायद से इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में। इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप नहीं जानते, एक एनुअल रिपोर्ट होती है, हर साल इसे प्रेजेंट किया जाता है बजट के आने से पहले, और इसे बनाया जाता है इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 22 जुलाई को बजट से एक दिन पहले इस इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। इस सर्वे के अगर पेज नंबर 65 पर देखोगे तो लिखा हुआ है, इफ इक्विटी मार्केट क्लेम्स ऑन द रियल इकोनॉमी आर एक्सेसिवली हाई, इट इज अ हार्बिंजर ऑफ मार्केट इनस्टेबिलिटी रादर देन मार्केट रेजिलियंस। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इनका कहना है कि स्टॉक मार्केट का एक बबल सा बन रहा है, और अगर मार्केट के क्लेम्स बहुत ऊंचे होते हैं तो उससे मार्केट इनस्टेबिलिटी होती है। कमाल की बात देखो दोस्तों कि अभी तक जब भी सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता था इकोनॉमी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन जैसे मुद्दों पर, ये कहते थे कि स्टॉक मार्केट की तरफ देखो, स्टॉक मार्केट तो कितना ऊपर जा रहा है, अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेवलपमेंट हो रही है देश में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना कोई इंडिकेटर नहीं है, अगर स्टॉक मार्केट ज्यादा ही ऊपर जा रहा है तो मार्केट इंस्टेबिलिटी हो सकती है। क्लियरली सरकार इस चीज को यहां डिस्करेज करना चाहती है, स्पेशली फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग, जो कि मेरी राय में भी बहुत रिस्की चीज है। बहुत सारे लोग जो इस चीज को ढंग से समझते तक नहीं, वो अपनी लाइफ सेविंग्स का लाखों रुपयों का नुकसान करार डालते हैं पैसे के लालच में आकर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस बजट में ये देखने को मिली कि सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में बेरोजगारी की समस्या पर डिटेल में बात करी है और कुछ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए हैं। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि साल 2030 तक हर साल हमें 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। पेज नंबर 158 पर इस रिपोर्ट की इन्होंने एडमिट किया है कि हर 2 में से 1 इंडियन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है, क्योंकि सफिशियंट स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास। CMIE डेटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20-24 के एज ग्रुप में 44.49% तक पहुंच चुका है अर्ली 2024 में। इसी रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करी गई है। लिखा है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है हर स्किल लेवल पर, चाहे लो स्किल लेवल का वर्कर हो, हाई स्किल लेवल का वर्कर हो, उन सब की नौकरियों पर अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा, AI इज द बिगेस्ट डिसरप्शन फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। यहां पर दोस्तों, अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, तो मैं अपना ChatGPT कोर्स रेकमेंड करना चाहूंगा। चलो प्रमोशन हटा देते हैं। मार्केट में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने तो गोल्ड और प्रॉपर्टी जैसी चीजों का क्या? इन चीजों को नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है, चाहे आपने जमीन खरीदी हो या घर हो या कोई अपार्टमेंट हो। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऊपर से अगर आप देखोगे तो सरकार ने एक्चुअली में कम कर दिया है। पहले ये 20% हुआ करता था, अब ये सिर्फ 12.5% है। आप सोचोगे ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स हटा दिए। इंडेक्सेशन का मतलब है कि आपके प्रॉपर्टी के प्राइस पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आज से 20 साल पहले अगर आपने 20 लाख का कोई मकान खरीदा था
और इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उस 20 लाख की कीमत आज के दिन 60 लाख रुपए हो जाती है। तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि उस 60 लाख की वैल्यू को बेसलाइन की तरह कंसिडर किया जाएगा, उससे आपका प्रॉफिट निकाला जाएगा। ये होती है इंडेक्सेशन। लेकिन अगर इंडेक्सेशन को हटा दिया जाए तो उस 20 लाख की कीमत आज भी 20 लाख रुपए ही कंसिडर करी जाएगी, वो बेसलाइन बन जाएगा और आपको टैक्स उतनी एक्स्ट्रा रकम पर देना पड़ेगा। सरकार ये क्यों कर रही है, इसके पीछे एक कारण बताया जा सकता है कि सरकार प्रॉपर्टी प्राइसेस में स्पेक्यूलेशन नहीं चाहती। मनोज तिवारी का ये इंटरव्यू याद है आपको? इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर दें। ये इलेक्शन के टाइम पर मनोज तिवारी ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो बड़े खुशी खुशी कह रहे थे कि मोदी 3.0 के आने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हर प्रॉपर्टी की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ा देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। अब देखो, मनोज तिवारी जैसे लोगों के लिए तो इसमें फायदा है। जिन लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्होंने 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं, प्रॉपर्टी बेचकर वो अपना धंधा चलाते हैं, वहां से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो बात इन्होंने सोची नहीं वो ये कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है, जो घर खरीदना चाह रहे हैं अपने लिए, एक पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज नुकसानदायक है, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने ऊपर जाए जा रहे हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते घर खरीदना। यहां भी जब प्रॉपर्टी प्राइसेस ओवर वैल्यूड हो जाते हैं इस तरीके से, एक रियल एस्टेट बबल कहा जाता है। तो सरकार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज करना चाह रही है। लेकिन आपके लिए यहां पर पर्सनली फायदा होगा या नुकसान, ये आपकी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे छोटे मोटे रूल्स हैं जिन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि सरकार ने एक रूल बनाया है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी साल 2001 से पहले खरीदी है तो आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेंगे। अब एग्जैक्टली जो बेनिफिट मिल रहा है टैक्स के कम होने से, 20% से 12.5% होने से, और जो नुकसान हो रहा है इंडेक्सेशन बेनिफिट के हटने से, इससे ओवरऑल आपको फायदा होगा या नुकसान, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम कर लो कि आपने साल 2004 में 20 लाख रुपए खर्च करके एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उस 20 लाख रुपए की आज की वैल्यू होगी 64.2 लाख रुपीस। ये कैसे कैलकुलेट हुई? CII वैल्यू डिसाइड करके। CII होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि एसेट के प्राइसेस की हर साल की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CII के नंबर्स रिलीज करती है और बेस ईयर यहाँ पे साल 2001 को लिया जाता है। साल 2004 में जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उस साल की CII वैल्यू थी 113 और इस साल की CII वैल्यू है 363। तो 363 डिवाइडेड बाय 113 होता है 3.21, और इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी 20 लाख रुपए की कॉस्ट से इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू निकालने के लिए अपने घर की आज के दिन। अब ये घर कितने में बिकता है? सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की स्टडीज के अनुसार हाउसिंग प्राइसेस इंडिया में 9.3% के एनुअल रेट से बढ़ते रहे हैं 1991 से लेकर 2021 के बीच में। अगर हम यही ट्रेंड अज्यूम कर लें तो इस घर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा आज के दिन 1.24 करोड़ रुपीस। यानी कि 2004 में हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख की, 2024 में हम इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं 1.24 करोड़ रुपीस की कॉस्ट में। पहले पुराने सिस्टम से देखते हैं हमें कितना टैक्स भरना होगा। पुराने सिस्टम में इंडेक्सेशन को कंसिडर किया जाएगा। अभी वीडियो बहुत लंबी है, मैं 20 मिनट तक का तो भी कर नहीं पाऊंगा, थोड़ी हेल्थ थोड़ा डाउन चल रही है, लेकिन मैं इस ये बता देती हूँ कि हाँ, ये बजट में सही बात है। इस वीडियो के बीच में ना बोलने का कारण यही था कि इसमें कुछ बोलने लायक बीच में था नहीं, ठीक है, वो सही बात बोल रहे हैं। उस चीज़ को मैं 2-3 वीडियो से पहले भी देख चुकी हूँ कि इंडेक्सेशन की चीज़ें हट गई, हमारे जो स्टॉक मार्केट वगैरह में लग रहे थे, ठीक है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था तो मैं स्टॉक मार्केट की दुनिया भर की वीडियोज़ देख डाली। मैंने कहा मैं भी करूँगी यार इन्वेस्टमेंट, मैं करती नहीं, ठीक है, मेरे भी हाथ में पैसा रुकता नहीं है, अभी जो भी है सब खर्ची हो जाता है, तो मैंने सोचा इन्वेस्टमेंट वगैरह देखने चाहिए। पर कल जब फिर मेरे बजट पड़ा, मैंने कहा अच्छा 10% से 12.5% हो गया, 15 से 20 हो गया, तो मैं जो इनकम आप ले रहे हो उसमें भी आपको टैक्स पड़ रहा है, और फैसिलिटी हमारी उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, साफ बात है। तो इसी वजह से नहीं था ये बिल्कुल भी अच्छा बजट नहीं था। और बस फिलहाल मेरा इतना ही है इस पे रिएक्शन, जो भी था कि अगर सबको सड़ा लग रहा तो भैया हमको भी सड़ा लग रहा है, और ऐसी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना मतलब इन चीज़ों पर भी वीडियो बनती रहनी चाहिए, अपना म्यूज़िक वो टेस्ट अलग है, लेकिन ये भी हमें सुनना ज़रूरी है, इस देश में रह रहे हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए अपने आसपास की चीज़ों का। तो फिलहाल मैं भी जा रही हूँ, तबीयत बहुत खराब सी हो रही है यार, ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, टाटा।